कुरीतियों से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए प्रयागराज पुलिस कटिबद्ध है और इसी अनुक्रम में सफर की पार गया है, साथ ही साथ उसके सभी साथियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए इंटर स्टेट 226 जाइए। अभी पुलिस लाइन में आपकी ब्रीफिंग हुई है, उसके बाद दोबारा हम ब्रीफिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुख्यात अपन करके उसकी समय नहीं लेंगे। ब्रीफिंग का काम समाप्त हो चुका है। आपका मुख्य काम है कुख्यात अपराधियों माफियाओं का तत्व, अपराधी तत्व को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी के पहले चरण में तमाम माफिया तत्व पर भी कठोर कार्रवाई अमल में लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए अपील भी है कि ऐसे माफिया और गुंडा मवाली दबंग तत्वों पर आपराधिक तत्वों को संरक्षण न दें, उनको शरण न दें, अन्यथा आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। और अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं अभी अपनी निगरानी दस्ते को यहाँ से रवाना करूंगा, वो अपना कार्य करके लौट के आए। पुलिस आप लोगों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए 24 आवर एक्टिव है, सतर्क है। आप जागरूक रहें, अपने अधिकारों को जानें, हम आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जय है। जिला प्रयागराज में माफिया आपराधिक तत्वों, गुंडा दबंग जो भी इस तरह के तत्व हैं, असामाजिक अराजक शरारती तत्व, उनके खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। उसी कड़ी में चूँकि इंटर स्टेट 227 नाम का गैंग कुख्यात गैंग रजिस्टर्ड है, यहाँ पे अतीक अहमद गैंग के नाम से जाना जाता है। उस गैंग में तमाम कुख्यात उनके गुर्गे हैं और उनके तमाम सहयोगी हैं, उनके बारे में सत्यापन की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। इसमें जो अभी भी उनके शरणदाता हैं, उनके सहयोगी हैं, उनका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ तमाम ऐसे कुख्यात और दुर्दांत अपराधी हैं जिनके गैंग रजिस्टर्ड हैं, उनका सत्यापन शुरू किया जाएगा कि कितने उसके गुर्गे, कितने उसके मेम्बर्स मर चुके हैं, कितने ज़िंदा हैं, किन हालातों में है, उम्र क्या है उनकी, उनका पेशा क्या है मौजूदा समय में, उनकी सेहत की स्थिति क्या है, ताकि उन पर उसी हिसाब से माकूल कार्रवाई की जा सके। इसके कारण से पूरे ज़िले का जो निगरानी दस्ता है 40 की संख्या में बनाया गया है और सभी पे दो दो तेज तर्रार ज़िले के सिपाही तैनात किए गए हैं। उन सभी को क्लोज किया गया था पुलिस लाइन सभागार में, SP सिटी, SP क्राइम और मेरे द्वारा उनकी ब्रीफिंग की गई है। फिर सबको साथ लेकर के सुभाष चौराहे पर दोबारा ब्रीफिंग करके उनके सवालों का जवाब देते हुए, शंकाओं को दूर करते हुए अभी फील्ड में भेजा जा रहा है। ये पूरा निगरानी दस्ता 12 घंटे काम करेगा और उसके बाद शाम को या देर रात में जब पूरा काम करके आ जाएगा तब उनकी ब्रीफिंग पुलिस लाइन सभागार में होगी। जो भी आंकड़े वो इकट्ठे किए रहेंगे उस पर मंथन होगा, एनालिसिस होगी। जो भी और अपराधी सामने आए हैं, शरणदाता सामने आए, उनका नाम भी उनके गैंग के मेंबर्स में जोड़ा जाएगा ताकि उन पर भी कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकें और कोई भी ऐसा दुस्साहस या जरूरत ना कर सके जो इस तरह के कुख्यात गैंग को शरण दे सके या उनका काम कर सके, इनका सहयोग कर सके। इसी काम को करने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी आपके सामने देखा, उनको ब्रीफिंग करके रवाना किया जा चुका है, बहुत जल्दी आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। अतीक अहमद गैंग जो IS-227 के नाम से गैंग पंजीकृत है और स्टेट लेवल का ये गैंग है, माफिया है, चिन्हित किया गया है उसको, और साथ ही साथ और भी जो तमाम माफिया चिन्हित किए गए हैं, गैंग रजिस्टर किए गए हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, खास खास जो कुख्यात टाइप के हैं, एक्टिव हैं, उन सभी का सत्यापन की कार्रवाई शुरू की गई है। आज पहला दिन है और ये अभियान लगातार 15 दिनों तक जारी रहेगा ताकि ऐसा कोई भी माफिया आपराधिक तत्व जुआरिया सटोरिया ना मिले जो हमारे रिकॉर्ड से बाहर हो। सभी का रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड लेते हुए उनके खिलाफ फॉलो अप एक्शंस बहुत कठोर लिए जाएंगे ताकि सभी हमारी रडार में रहें और कार्रवाई की जद में रहें और आम जनता को, निर्दोष को, किसी को परेशान ना करने पाए। नाम जोड़ा ही जाएगा या कुछ ऐसे लोग भी जो सुधर गए हैं या नहीं है तो उनका हटाने का भी काम किया जाएगा? देखिए, कोई सुधरता नहीं है। एक बार माफिया एक्टिविटीज में शामिल होने के बाद उसको चस्का लग जाता है तो कोई सुधरता नहीं है, तो निकालने की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं सोच रहे हैं उस विषय में। लेकिन हाँ, जो लोग मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं किसी तरह से, चाहे मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं या किसी बीमारी से कालकवलित हो चुके हैं, उनके नाम ज़रूर अलग से लिखे जाएंगे ताकि उन पे जो अनावश्यक ऊर्जा खर्च होती है वो ना खर्च हो मीटिंग में, एनालिसिस वगैरह में। इसलिए उनके नाम अलग से रखे जाएंगे, उनके नाम निकाले जाएंगे, उनके नाम अलग से लिखे जाएंगे, बेसिकली वो रिकॉर्ड में रहेंगे। क्योंकि हो सकता है वो अपराधी मर चुका हो, वो सहयोगी मर चुका हो,
लेकिन उसके परिवार में लोग उसके भक्त अभी भी बने हुए हों, उसको शरण दे रहे हों, उसका सहयोग कर रहे हों, इसलिए किसी का भी नाम निकाले जाने पर बिल्कुल विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस लिस्ट को और मजबूत बनाया जाएगा। वापस लौटेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे शाम 8 बजे पुलिस लाइन सभागार में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अपने अपनी मोटरसाइकिल पर हो जाइए और तत्काल यहाँ से मूव कर जाएंगे। भैया हाथ ना करिए यार, निगरानी दस्ता फिर निकल पड़ा है अपने शहर प्रयागराज के विभिन्न थानों में। अपराधियों के लिए धरपकड़ की ये योजना है, उनकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, कौन अपराधी किधर छुपा हुआ है या शहर के बाहर है, और जो लोग अपराधियों के साथ दे रहे हैं उनको छुपने का, उनके भी खिलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दिया है SSP प्रयागराज ने।